मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे मौका दिया। आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द सेकेंड बैच ऑफ 12 डिमांड्स कवरिंग स्कूल हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस, मेडिकल एंड हेल्थ, लेबर एम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस एंडोमेंट, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। स्पीकर साहब, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के उस ऐलान का खैर मकदम करता हूँ जिन्होंने एजुकेशन के लिए 4000 करोड़ बशमूल 2021 और 22 के 2000 करोड़ की सहूलत के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज़ की सहूलत के लिए मुख्तस किया है। इस स्कीम के तहत नए स्कूल बिल्डिंग्स तामीर किए जाएंगे, पुराने स्कूलों की मरम्मत की जाएगी और जो स्कूल के अंदर बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं हैं उसको उसके काम करवाए जाएंगे, फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि इस ज़िमन में सबसे पहले बुनियादी सहूलतों का काम, फर्नीचर का काम, स्कूल बिल्डिंग्स का काम अगर सबसे ज़्यादा कोई खस्ता हालत में है तो वो हैदराबाद और सिकंदराबाद में है। मैं ये भी कहूँगा कि दीगर 32 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर भी हैदराबाद और सिकंदराबाद के सरकारी मदारिस से ज़्यादा बेहतर हालत है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर जो अमाउंट स्कूल के रिपेयर्स के लिए और बुनियादी सहूलतों के लिए और नई बिल्डिंग्स के लिए दिए जा रहे हैं, पहले मरहले के अंदर इसको हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्कूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरे मरहले में आप बेशक दीगर 32 डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को टेकअप कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर के स्कूल्स की हालत बहुत खस्ता है, तो इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे कि पहले मरहले में हैदराबाद और सिकंदराबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स की बुनियादी सहूलतों के ऊपर तवज्जो दी जाए, नए स्कूल के बिल्डिंग्स बनाई जाए ताकि यहाँ का सरकारी स्कूलों का निज़ाम और बेहतर हो सके। और इसके साथ ही साथ तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद जो रेसिडेंट स्कूल्स तेलंगाना के ख़याम से पहले तेलंगाना के हमारे इलाके के अंदर सिर्फ 298 रेसिडेंशियल स्कूल्स थे, आज तेलंगाना क़ायम होने के बाद इस हुकूमत की अहम तवज्जो की तरफ से एजुकेशन के ऊपर बशमूल अखिलियतें और बीसी रेसिडेंशियल स्कूल्स मिलाकर आज तेलंगाना के अंदर 970 रेसिडेंशियल स्कूल्स है। हम इसकी सताइश करते हैं और हम ये बेहतरीन इकदाम है और इस स्कूल्स के अंदर करीब 4,30,000 तलबा पढ़ते हैं और ये 4,30,000 तलबा के ऊपर ये हुकूमत सालाना एक तलबा के ऊपर 1,00,000 से ज़्यादा खर्चा कर रही है। ये कॉरपोरेट ट्रस्ट के स्कूल्स के ऊपर इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से माइनॉरिटी स्कूल्स हो या बीसी स्कूल्स हो, जो गवर्नमेंट ये प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर लाखों रुपए किराया दिया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट इस साल जो बजट रखी है इससे हम रेसिडेंशियल नए स्कूल्स, गवर्नमेंट के खुद के नए स्कूल्स, नए बिल्डिंग्स तामीर कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नए बिल्डिंग्स बना सकें। शहर के अंदर गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से 9,997 एडिशनल क्लासरूम्स की ज़रूरत है और रिक्वायर्ड ये, और इसके लिए हमको काम करना है। दीवारें खस्ता हालत में हैं, सेकेंडरी स्कूल नीड कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, ये तमाम चीज़ों के लिए पहले मरहले के अंदर काम किया जाए ताकि हैदराबाद और सिकंदराबाद का एजुकेशन के अंदर हम और बेहतरी ला सके। द बजटरी एलोकेशन ऑफ रुपीज 13,573 करोड़ फॉर एजुकेशन फॉर सेक्टर ऑफ तेलंगाना कम्स टू 6.78%। मैं हुकूमत के सामने और इस हाउस के सामने ये बात मिलाना चाहूँगा कि 2014 के बजट के अंदर जब तेलंगाना क़ायम हुआ तो टोटल बजट का 10% से ज़्यादा हमने एजुकेशन के लिए अलॉकेट किया था।
आज वो घटते घटते 6.78% हो गया है। तो इस जबकि आपको जानना चाहिए कि मुत्तहिदा रियासत के अंदर एजुकेशन के ऊपर 14% बजट रखा गया था। ये और बात है कि तेलंगाना के इलाकों को उन्होंने नजरअंदाज किया, यहां पर उसका सरफा पैसे का नहीं किया गया। आज जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा, हमारे बजट का ज्यादा हिस्सा हम एजुकेशन के ऊपर हम सर्व करें ताकि बेहतरीन नतीज निकल सके। आप 2011 के सेंसस के स्टैटिस्टिक से कि 2014 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना का लिटरेसी परसेंटेज रेट 66.54% था, जबकि पूरे हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 74% था 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2020 के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जो 2020 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने स्टैट्स ने जो सर्वे किया उसके हिसाब से तेलंगाना रूरल के अंदर आज मेल्स का 70.6% लिटरेसी रेट है और फीमेल का 53.7% है, और तेलंगाना अर्बन के अंदर मेल्स का 91.7 है और फीमेल्स का 79 है। तो इसको हम और बेहतर इसका परसेंटेज बना सकते हैं अगर ये हुकूमत काम करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, और मुझे यकीन है कि अगर से एजुकेशन के ऊपर ये हुकूमत संजीदगी से और काम करेगी तो आने वाले दिनों में हम केरला से आगे हमारा लिटरेसी रेट होगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम और ज्यादा इसके अंदर फंड अलोकेट करें, बजट अलोकेट करें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि टीचर्स के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। स्पीकर साहब, नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था 8792 पोस्ट के लिए 2017 के अंदर, हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने इसके अंदर इंटरवेन किया और कहा कि रिक्रूटमेंट किया जाए फरवरी 2018 में। तो टीचर्स का अपॉइंटमेंट और 7000 वैकेंसीज है टीचर्स के लिए, वो फिल करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा उसके बाद से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई डीएससी एग्जाम नहीं हुआ। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम हर साल अपना डीएससी कंडक्ट करें ताकि हम जो खाली जायदादें हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसको पुर कर सकें। यूनिवर्सिटीज का हाल यह है कि तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आईएएस ऑफिसर्स को लेकर जाकर वाइस चांसलर्स की जगह बिठा दिया गया, जिसकी वजह से वो बराबर टाइम जाकर यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की हालत और खराब होती जा रही है, जबकि सर्च कमेटी रिपोर्टेडली सबमिटेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट के वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाए। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बहुत देर हो चुकी है, आप जल्द से जल्द वाइस चांसलर्स का तकर्रुर कीजिए यूनिवर्सिटीज के अंदर ताकि यूनिवर्सिटीज की हालत बेहतर हो सके। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 353 करोड़ रुपए अलाट किए गए, पालामूर यूनिवर्सिटी के लिए 7 करोड़, तो बहरहाल जुमला यूनिवर्सिटीज के लिए 551 करोड़ अलाट किए गए। मैं ये कहूंगा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक हमारे लिए एक तारीखी मुकाम है, एक प्राइड ऑफ तेलंगाना है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड अलोकेट कीजिए। उसके अंदर साइंस और कॉमर्स के लिए, उसके अंदर और तरक्की के लिए काम कीजिए, उसका कैंपस डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए ताकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से और बेहतर नतीजे हमको मिल सके। तेलंगाना के अंदर उर्दू मीडियम के हजारों पोस्ट वेकेंट है। कई साल से हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके लिए डीएससी कंडक्ट नहीं की जा रही है। एक छोटी सी बात आपके सामने बताता चलूं, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर यहां पर उर्दू मीडियम के 15 जूनियर कॉलेजेस के अंदर तुलबा काम कर रहे थे, उनको लेक्चरर्स काम कर रहे थे, उनको रेगुलर करने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर लेटर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको रखने के लिए कहा गया।
लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई उसके ऊपर इकदाम नहीं किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के आज उन लोगों को बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर दिया देने के, उन 15 जूनियर कॉलेज के 69 लेक्चरर्स को आज कहा जा रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से काम करें, गेस्ट लेक्चर के हिसाब से काम करें। यह उनके साथ ना इंसाफी है मैडम, ये उनके साथ भी इंसाफ किया जाए कि वो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं तो उनको सेल्फ फाइनेंस सिस्टम पे काम कर रहे थे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जबकि इसकी फाइल नंबर 1201 ऑफ 1EA1 2019 टू 2002 स्पेंडिंग विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी पेशी मैडम। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आप जल्द से जल्द किया जाए। उर्दू मीडियम के अंदर जो 15 पोस्ट थे, 53 जुमला 35 SGT उर्दू मीडियम के पोस्ट थे, जिसमें से 20 का तकरूर किया गया, 15 हैंडीकैप डिसेबल के कोठे के अंदर थे। 2017 से अब तक वो 15 पोस्ट को डीनोटिफाई कर उनको तकरूर नहीं दिया गया, जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। जब आपको उर्दू मीडियम के अंदर डिसेबल के अंदर आपको नहीं मिल रहे हैं, मैडम आपसे गुजारिश है कि आप ये 15 लोगों को जो है सो उस जो लोग आल दरख्वास्त गुजार है उनको डी रिजर्व करके पुर कीजिए, ताकि वहाँ के एक तो वैकेंसीज फिल हो और दूसरे लोगों को रोजगार मिले। हमने गुज़िश्ता कई दिनों से, कई सालों से नुमाइंदगी करते आए हैं कि डिग्री कॉलेज फलकनुमा और चंचलगुड़े के अंदर सैंक्शन किया गया, डिग्री कॉलेजेस वहाँ चल रहे हैं। गुज़िश्ता वक्त 5-5 करोड़ रुपए दोनों डिग्री कॉलेजेस के बिल्डिंग्स के लिए भी दिए गए थे, लेकिन वो फंड लैप्स हो गया, वो काम नहीं करवाया गया अब तक। वहाँ पर डिग्री कॉलेज के अंदर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, फर्नीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर, कंप्यूटर लैब्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक के लेक्चरर्स को भी जो है सो तनख्वाह जो देने का है बच्चे डालकर सब लोग जमा कर उन लोग को दे रहे हैं, सिवाय प्रिंसिपल के कोई दूसरी वहाँ पर सहूलत नहीं है। तो हम वहाँ पर जो पीछे प्राइमरी स्कूल्स बने हुए थे वो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हम उसको डिग्री कॉलेज को चला रहे हैं। मैडम जो CM साहब का जो स्लोगन है KG से PG, आप यकीन जानिए ये दो कैंपस को हम मिसाल बना सकते हैं KG से PG तक, क्योंकि यहाँ पर तमाम स्कूलें चल रही हैं, जूनियर कॉलेज चल रहा है। आप डिग्री कॉलेज के लिए पैसे देकर ये बिल्डिंग की तामीर करेंगे तो ये सिर्फ ये चंचलगुड़ा और फलकनुमा, ये सिर्फ ये दो कैंपस के अंदर हम एक आपको मिसाल बनाकर दे सकते हैं कि जो CM साहब ने कहा KG से PG तक रहेगा तो ये एक कैंपस के अंदर KG से PG तक हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी अहमियत को समझिए और इसके लिए फंड्स इजरा करिए ताकि हम यहाँ पर कॉलेजों की तामीर कर सकें। इसके साथ साथ प्रोवाइड सफिशियंट फंड फॉर द रिपेयर्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग। निजामिया तिब्बी कॉलेज मैडम, निजामिया तिब्बी कॉलेज की हालत खराब होते जा रही है, उसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि बराबर फंड उसके लिए जारी किया जाए और उसके वेकेंट पोस्ट जो है नॉन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के उसको पुर किए जाएं ताकि जो वैकेंसीज है वो पूरे हो सकें। मैडम मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि BUMS के 4th ईयर कंप्लीट करे से स्टूडेंट्स अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज 63 स्टूडेंट्स हैं मैडम, जिसको KNR यूनिवर्सिटी ने डी रिकग्नाइज कर दिया। कॉलेज बंद हो गया वो, तो वहाँ के 63 स्टूडेंट्स को हमने तिब्बी कॉलेज को मुंतकिल किया। आज वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पर रेगुलर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैडम वो भी तो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कैसा? दूसरे बच्चों को जैसा स्टेफन दिया जाता है जब ये कर रहे हैं तो इनको स्टेफन से क्यों महरूम किया जा रहा है? कह रहा है कि कहा जा रहा है कि आप दूसरे कॉलेज से यहाँ पर आए हैं। अरे भाई दूसरे कॉलेज से आए लेकिन फिलहाल तो आप तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको तो ये स्टेफन देना जाना चाहिए। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आपके इल्म में लेकर आना चाह रहा हूँ कि उन 63 बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। मैं फिर एक बार आपने जो एजुकेशन के लिए किया है उसके लिए मैं खैर मकदम करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत एजुकेशन के ऊपर और सरफा करेगी और मेहनत और पैसे एजुकेशन के लिए देगी। स्पोर्ट्स के लिए आज डिमांड्स के अंदर करीब 1500 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स के लिए हमारे एक्साइज और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने डिमांड रखा है। इसका
लेकिन आप बताइए हैदराबाद के अंदर स्पोर्ट्स के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी कोई एक पुराने शहर हो या नए शहर के अंदर, कोई सिवाय एक गच्चीबौली स्टेडियम है या कुछ दूसरे जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम से, उसके अलावा कहां पर भी स्पोर्ट्स के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप हर कांस्टेंसी के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए। इतने आज थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है तो वो जीएचएमसी काम कर रही है, जीएचएमसी स्पोर्ट्स मटेरियल दे रही है, जीएचएमसी दूसरे मुकाम स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा बहुत जो भी काम हो रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से शहर के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं आपके इल्म में ये लाना चाहूंगा कि आप या तो स्पोर्ट्स के ऊपर आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम करें, या नहीं तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा जीएचएमसी को दे दें ताकि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जीएचएमसी एरिया के अंदर टेकअप कर सकें, ताकि स्पोर्ट्स को हम इंकरेज कर सकें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे हैदराबाद के 15 असेंबली हल्के जात के अंदर कहीं पर भी कोई ढंग का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए, यूथ को इंकरेज करिए स्पोर्ट्स के लिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जबकि इतना पैसा हुकूमत ने स्पोर्ट्स के लिए दिया है तो बराबर तरीके से सिटी के अंदर सर्व हो। हेल्थ एंड सब इसके ऊपर, सब मेडिकल एंड हेल्थ के ऊपर सब, आज पूरी दुनिया कोविड से, कोरोना से जूझ रही है। आज कोरोना की वजह से कल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने भी ऐलान किया कि स्कूल्स तमाम बंद हो जाएंगे। लेकिन खाली स्कूल बंद होने से क्या हम कोरोना से लड़ सकते हैं? क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद कर देने से क्या हम कोरोना से लड़ सकते हैं? कोरोना से, जिसको कोरोना, तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते क्या इस हाउस में कोरोना है या नहीं है। हर एक घर में, हिंदुस्तान के हमारे हर एक घर के अंदर ये पहुँच चुका है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको हमको इसके साथ ही जीना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सही इकदामात अगर से इसके लिए करें तो जो मुतासिर होकर जो लोग दवाखाने को जा रहे हैं उनको बराबर तरीके से वहां पर तवज्जो नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हुकूमत ने गुज़िश्ता फर्स्ट फेज के अंदर जो गाइडलाइंस बनाए थे, उसी गाइडलाइंस के बाद हुकूमत ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करे, और जब जो गाइडलाइंस जो फॉलो किए जा रहे थे, आज कोई हॉस्पिटल वो गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। आज जो लोग जा रहे हैं, किस तरीके से जो कोई किसी को कोरोना बोलकर टेस्ट कर दिए, अगर कोरोना का पेशेंट भी है तो बगैर टेस्ट करे के भी इलाज ले रहे हैं और मनमानी उससे रकम वसूल की जा रही है। अगर किसी से टेस्ट करे हैं, कोई कह रहा है कि हुकूमत ने इसमें इतने इससे ज्यादा पैसे नहीं लेने को कहा, तो तब उससे वो किया जा रहा है कि उससे पैसे कम लिए जा रहे हैं। जो नहीं कह रहा है, जिसका टेस्ट नहीं हुआ, दूसरी बीमारियों का नाम लिखकर उससे लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसके ऊपर जरूरत है कि हम काम करें, और यह कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। मैं हुकूमत से यह गुजारिश करूंगा कि हुकूमत कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में मिलाई जाए, ताकि क्योंकि ये साल भर में आप नहीं कह सकते कि साल भर में कोरोना खत्म हो जाएगा, साल भर के लिए क्यों मिला, ये तो हमेशा रहने वाला है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, आज से 10 साल के बाद भी हो, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जब भी वो कोरोना से मुतासिर होकर मर सकता है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि कोरोना के इस इलाज को, कोविड के इस इलाज को आरोग्यश्री में मिलाया जाए, ताकि गरीब आवाम को सहूलत हो सके। जरूरत आज बेहतर, कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब यहां पर नहीं है, वरना मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। आज कई जगह पर, कई दवाखानों के अंदर डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस नहीं किया जा रहा है। अगर से कहीं डायलिसिस किया भी जा रहा है तो ये चेक नहीं किया जा रहा है कि ये पेशेंट कोरोना से अफेक्टेड है या नहीं है। वो डायलिसिस कराकर चले जा रहा है, वो मशीन के ऊपर अगर वो कोरोना से अफेक्टेड था तो उसके बाद दूसरा पेशेंट आकर करा रहा है, तो पता नहीं कि क्या होगा उसका। तो मैं यही कहूंगा कि आज कोरोना के वजह से जो आवाम को तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर हुकूमत ने जो पहली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसके ऊपर अमलावारी हो रही है या नहीं, उसको चेक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत ने बहुत काम किया, बहुत सारे स्कीमात ने, डॉक्टर्स भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं, हर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन इसकी ये खत्म नहीं होगी कि स्कूल बंद कर दिया जाए या फलाना बंद कर दिया जाए। इसकी अगर से सही हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं, तो इलाज के लिए जो आवाम परेशान हो रही है
उसके लिए हम सहूलत पहुंचाकर इसके लिए आवाम की सही मदद कर सकते हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा फिर एक बार कि इसको आरोग्य श्री के अंदर मिलाया जाए, क्योंकि ये एक साल में या दो साल में ख़त्म होने वाला मर्ज नहीं है, ये हमेशा रहने वाला है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर गौर किया जाए और इस मर्ज को आरोग्य श्री में मिलाया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत को बेहतर करने के लिए while the allocation has increased from 109 crores in the proportion budget has fallen 3.8% to 2.72%. jo guzishta ke andar jo budget tha wo budget ka 3.38% budget health and medical ke liye rakha gaya tha, aaj budget alhamdulillah 2,30 crore hone ke baad percentage ghatkar 2.72% ho gaya hai। हमारी हुकूमत हर महाज के ऊपर काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि तालीमी मैदान के अंदर और सेहत के मैदान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्फ कर हमारी आवाम की बेहतरी के लिए और काम किया जा सकता है, और ये हुकूमत को करना भी चाहिए। गच्ची बोली स्टेडियम के अंदर 2019 के अंदर टिम्स के नाम से कोविड पेशेंट्स के लिए गच्ची बोली स्टेडियम को कन्वर्ट किया गया था, उसके लिए 6 करोड़ रुपए इस स्कीम के अंदर रखे गए हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी उसका खुलासा नहीं किया गया कि किस तरीके से वो किया जाएगा। और जरूरत इस बात की है कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए ये पहली बार है कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा गया। मैं इस पूरे हाउस की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हैदराबाद की आवाम की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए अपनी जिद छोड़ दीजिए, उस्मानिया हॉस्पिटल को तामीर करिए, उसके रिन्यूशन के लिए करिए। 1 रुपया इसके अंदर बजट में नहीं रखा गया उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए साहब, 1 रुपया भी नहीं रखा गया उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए। तो साहब मेंटेनेंस के लिए तो कुछ रख सकते ना साहब? नहीं है साहब, इसके अंदर नहीं है। तो बहरहाल मैं यही गुजारिश करूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, एज ए हेरिटेज स्ट्रक्चर, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए पैसे रखा जाए। पीछे आप नई बिल्डिंग बनाइए, पीछे बहुत जगह है, नई बिल्डिंग तामीर करिए, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीड्स मोर मैन पावर, उसके ऊपर भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मैन पावर का इजाफा किया जाए। हमने 224 बस्ती दवाखाने खोले हैं, बहुत अच्छा।